हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप भी बहुत अच्छे होंगे। तो वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग में आपका स्वागत है। सुबह के बच्चों के 6:30, और कल मैंने धोए थे कपड़े और उसकी मैं लगा रही हूँ सुबह सुबह होता है, और क्योंकि बच्चों ने ऐसे उतार के रख दिए थे यहाँ पर, तो सारे कपड़ों की तह लगा के अलमीरा में लगाऊंगी। और बच्चे अभी सो रहे हैं, ठंड हो गई है बहुत अब, तो अब मैंने ब्लॉग की स्टार्टिंग कर दी है क्योंकि काम तो करना है, सब काम करने पड़ते हैं। अगर मैं कहीं जॉब पे जाती तब भी तो मुझे जाना पड़ता, तो ऐसा भी बाकी का काम करते हैं। फिर मैं आपसे बाद में फुर्सत से बात करूँगी। 12 बज चुके हैं और बच्चे आ चुके हैं स्कूल से, और मैं कर रही हूँ मेथी का काम, क्योंकि 2 दिन से मेथी लेकर आई हुई हूँ और पराठे नहीं बना पा रही मैं, तो आज बंदना बैठी तो सोचा चलो मेथी चटवा लेते हैं, और मेथी चटवाने में मेरी हेल्प कर रही है बंदना। तो देखिए, मेथी चटवाने में बंदना मेरी हेल्प कर रही है और मैं बना रही हूँ चाय। और इसे देखिए पता नहीं क्या क्या करती फिर रही है। देखो मान जा मान जा, इसने हमें दुखी कर लिया सारे में, मिच्चर मिच्चर कुछ कभी कुछ ले लेती। देखे सारे में इसने क्या कर दिया सफाई हुई में, और मैं बना रही हूँ। हैं डायल करो फोन में, मैं मिला लूँगी। और मैंने बर्तन वगैरह सब क्लीन कर दिया, मैं बना रही हूँ चाय। तो मैं बनना पीऊँगी चाय। और ये देखिए, इसने तो हमें बहुत परेशान कर लिया, मन्नत ने सब सामान उतरवा लेती है। ये मेथी है, तोड़ रही थी। क्या भांग तोड़ रहे हो? भांग नहीं है, मेथी बनती नहीं है ना घर में, जब तो पता नहीं है से घर में बनेगी खाएगी जब तो पता चलेगा मेथी क्या है भांग क्या है। तो देखिए गाइस, मैं जा रही हूँ बैंक, क्योंकि बैंक का कुछ काम है। और मन्नत पीछे जा, मन्नत देखे खड़ी है नहाने के लिए, और बैंक का कुछ काम है, काम करा कर आते हैं फिर खाना बनाती हूँ। 2 बज गए हैं, तो आके फटाफट काम करूँगी और खाने का काम करना है मुझे। काम तो मेरा खैर सारा हो चुका है, और फिर अनमोल को दूंगी दवाई। और मन्नत मुझे देखे, मन्नत देखे कैसे झुका रही है, देखिए कैसे झाक रही ऊपर से। तो चलिए गए तो बैंक का काम कर कराते हैं, फिर उसके बाद में आके मिलते हैं हम। कि गए, मैं गई थी बैंक, और तो अनमोल का फोन आ गया कि सीमा दीदी और गुड्डू आई हैं मेरे पापा का सुन के, तो मेरे पापा के बारे में पता करने, तो दोनों मेरे से मिलने आई हैं। तो मैं खाना बना रही हूँ, तो यहाँ बना दिए मैंने मटर वाले चावल, और यहाँ बना रही हूँ मटर पनीर की सब्जी। और सब अंदर बैठे हैं बातचीत कर रहे हैं, तो मैंने सोचा चलो फटाफट खाना बना देते हैं, आए तो खाना वाना खा के भेजना चाहिए। तो आपको दिखाती हूँ, सब लोग हंसी मजाक कर रहे हैं। देखो दुख में आते हैं तो इसका मतलब ये नहीं होता कि हंसी मजाक नहीं, दिल बहलाने के लिए तो हंसी मजाक करनी ही पड़ती है। तो मेरे पापा के लिए सुनकर आई, मुझे बहुत अच्छा लगा कि हाँ भाई उन्होंने मेरा दुख को बांटा, तो बहुत ही अच्छा लगा। थैंक यू सीमा दीदी एंड गुड्डो। तो अंदर सब बैठे हैं, मम्मी वंशा सब बैठे हैं घर में, उनके पास बातचीत कर रहे हैं। तो मैंने सोचा फटाफट बना लेते हैं खाना, तो फिर वो जाना जाना करेंगी तो अच्छा नहीं लगता। कोई आता है घर पे तो उनको खाना के बिना नहीं भेजना चाहिए, और मेरी ये सोच है कि कोई आता है तो बिना खाना खाए नहीं भेजना चाहिए। तो दिखाती हूँ, हम सब बैठ के मजाक कर रहे हैं, दिल तो मन तो दुखी पर अंदर से बाहर अंदर से पर हंसी मजाक भी करनी पड़ती, ताकि मन और दिमाग डाइवर्ट हो, ताकि सब ठीक रहे। कब खाना खिला रहे थे? वो तो लक्ष्मी भरवा के लेगी, वो भी खत्म। हाँ सही कह रही हो,
आगे हमारे बच्चों की आगे चलेगी हमारी ना चलेगी जैसे सोच रहा होगा जैसे देखिए गाइस मेरा खाना पीना बन चुका है तो हम लोग सब खा रहे हैं खाना और खाने में बनाए मैंने आलू मेथी की सब्जी मटर पनीर चावल और रोटी अपने आप तो गिरा लेगी तू ये ऐसी करती है ज्यादा मम्मी पी ले मम्मी पी ले मेरे गिलास में लेके जाऊंगी ये दीदी पता क्या करेगी अपने पर गिरेगी छापे मारती है ओ तेरी क्या करती है छापे मारती है मैंने भी रहने दे बहुत टाइम है तेरे छापे मारने का ओके बड़ी अच्छी है ये भाई उस्ताद हमें तो ना अच्छी लगती है उस्ताद तो ठीक है ना उस्ताद और तो मैं चाहते ठीक है नकली तो ना हां नकली दे दी बड़ी मम्मी ने देखे नोट चलेगा 3 तारीख को किसकी संडे है संडे को तो देखेंगे बहुत दूर है भाई के घर जाती है ना रास्ते में पड़ता है तेरा घर भी तो बड़ा है वही मेरा घर भी इसका घर भी वही पड़ा है नहीं सुल्तानपुरी सुल्तानपुरी तेरा तिलक नगर बहुत आ गया हमारे घर से पास है तिलक नगर तुम्हारे घर हमारे घर से पास पड़ता है चलो फिर तेरे पापा बात तो कर रहे थे कि कर दो दीदी नहीं 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 बाय तो दीदी और उनको छोड़ने जा रही रिक्शा रिक्शा कराते हैं म्यूजिक डाल तो चलिए गाइस तो दीदी को छोड़ कर आते हैं हम चलते ही ना देखिए गाइस हम लोगों ने रिक्शा करवा दिया है सीधा वहीं तक का गांधीनगर तक का तो अभी 20 मिनट में पहुंच जाएंगे तो हमने रन बोलाए छोड़ने के लिए आए थे हम तो अच्छा लगा दीदी आई और गुड्डू आई खाना मैंने बना लिया अनमोल के पापा की बनाऊंगी रोटी बस अब खाना हमने खा ही लिया है और अब करेंगे रेस्ट थोड़े से बर्तन धोने हैं बर्तन क्लीन करने हैं क्योंकि बर्तन रह गए हैं और कभी गर्मी कभी सर्दी मौसम कैसा हो रहा है तो आज भी ठंड नहीं है हम लोगों ने खाना वाना खा लिया है और ये देखिए किट्टू आगे किट्टू हाय करो ये देखिए किट्टू हाय कर रहा है और अनमोल के पापा आ गए हम लोगों ने खाना वाना खा लिया है और अनमोल बनाएगा आया अभी और मैं थक गई हूँ तो मैं रेस्ट करूँगी टाइम हो चुका है 10 बज गए हैं अनमोल आ गए थे 9:15 बजे क्योंकि आजकल आते हैं लेट और ठंड हो गई है तो अब ज़्यादा देर अगर हो जाती है तो मन नहीं करता किचन में जाने को मन नहीं होता है ऐसा मन करता अब जल्दी खाना बनाओ तो आज मैं लग गई थी 3 बजे से और बैंक गई थी बैंक के रास्ते में मुझे फोन आ गया था अनमोल का तो रास्ते में थी मैं आ रही थी तो अनमोल ने कहा कि बड़ी मम्मी आई है तो फटाफट आई फिर खाना वाना मंगवाया और मैंने बना दिया और आज बड़ा मुश्किल था ब्लॉग बनाना फिर मैंने कोशिश की है एक ब्लॉग बनाने की और काफ़ी दिनों बाद में मैंने कैमरा उठाया है हो गया टाइम मुझे आज 8 दिन हो गए 7 दिन हो गए मुझे फोन उठाए हुए कि ब्लॉग बनाने के लिए और जब से पापा की डेथ हुई है तब से अब मैंने व्लॉग बनाया है आज तो कोशिश करिए तो आपको अच्छा लगेगा व्लॉग जो भी मेरे से बन सका धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट आएगा व्लॉग बनाने के लिए तो अभी शादी का माहौल है हमारे यहाँ पर हमारे यहाँ पड़ोस में शादी है लड़के की और अभी 2 शादी है
हमारे यहाँ। और अभी एक शादी मेरी जिठानी की जेठ की लड़की की शादी है 9 तारीख की, तो देखते हैं। बच्चे जाने को जिद कर रहे हैं कि मम्मी चलो तुम भी, तुम्हारा मन बहल जाएगा। तो देखेंगे, अगर मन हुआ तो चले जाएंगे, नहीं तो नहीं, बच्चे चले जाएंगे तो देखेंगे। वैसे तो मम्मी भी कह रही थी चलने को, तो देखेंगे जैसे भी होगा। शादी में जाना होगा तो अनुराग तू शादी में जाएगा? कब? 9 तारीख को। 9 तारीख को किसकी शादी में? चंदन नगर। किसकी? चंदन नगर तो है, किसकी है पूछ? बड़ी मम्मी की लड़की की। कौन से बड़ी मम्मी? वो कौन से वाली बड़ी मम्मी है भाई? मीनू ताई को जानता है ना? हाँ। उनके? उनके चंदन नगर। हाँ चलेंगे हम। गाइस अब देखो शादी आ रही है, 3 तारीख की शादी है, 4 तारीख की शादी है, फिर पता नहीं बीच में भी शादी है पड़ जाए, 9 तारीख की शादी है। मेरे बच्चों को बहुत शौक है शादी में जाने का, मुझे भी बहुत शौक है शादी में। हमें पता क्या अच्छा लगता है? नहीं, एक शौक तो नहीं कह सकते, हाँ जो प्यार से बुलाता है उसके यहाँ जाना भी चाहिए। गाइस हमें ना, गाइस कौन कौन वो कमेंट में लिखे हैं किस किसको पार्टी में वेज पसंद है, किस किसका नॉन वेज। हमें नॉन वेज बड़ा पसंद है। जो प्यार से बुलाता है उसके यहाँ जाना चाहिए, क्योंकि अगर आज हम नहीं जाएंगे तो कोई हमारे कैसे आएगा? मौली की शादी मेरा तो एक असूल है ये। गाइस अगर हम अभी नहीं गए ना तो वो अनमोल की शादी में नहीं है, तो इसलिए इसके लिए हम जाते हैं। प्यार से बुलाता है तो मैं उसे जरूर जाती हूँ। कोई मुझे प्यार से इनवाइट करता, दीदी आई थी बड़े, मतलब उन्होंने बड़े प्यार से बोला था बेटा जरूर आना शादी में, बेटी की शादी हमारी, हमारे जेठ की बेटी की है दादी? तो हमारी भी बेटी हुई, वो पूरी फैमिली है हमारी, मम्मी हमारी जो सासू माँ उनके भतीजे के लड़की की। तो जो प्यार से बुलाता है उसके जाना चाहिए, और जो नहीं बुलाता है, जो कोई हमें नहीं बुलाता है, हमें नहीं किसी को भी, तो उसके नहीं जाना चाहिए। और कोई प्यार से बोलता है चाहे कितना भी गम हो उसके जाना चाहिए, और कितना भी मन खुश हो और कोई नहीं बुलाता है तो उसके नहीं जाना चाहिए। तो इसलिए हम देखते हैं, टाइम लगेगा तो हम जरूर जाएंगे। और मेरे मामा की बेटी की भी शादी है 7 तारीख की, तो काफी शादी है, देखते हैं वहाँ भी जाते हैं नहीं जाते, मौका लगेगा तो जाएंगे, नहीं तो मौके की बात देखेंगे। नसीब में दावत खानी हुई तो जरूर जाएंगे। तो अनमोल बना रहा है चाय, तो पीते चाय, और गले में फिर खराश खराशी होने लगी, थोड़ा सा ठीक लगा था मुझे, अभी हल्की हल्की खराश सी लगी क्योंकि मैंने खा ली थोड़ी सी चावल, उसकी वजह से हो गया। तो चली गई, तो चाय पीने के बाद मिलते हैं आपसे हम। देखिए गाइस मैंने चाय बनाई है, सारे सो चुके हैं, और मैं चावल लाया था थोड़े से क्योंकि खाना हमने शाम को खाया था, पेट भर गया था, भूख लगी थी, बस अब हम नाश्ता करेंगे, खाना खाएंगे, हो जाएगा।